लगभग 5 मिनट और लेट हुआ होता तो मेरी ट्रेन छूट गई होती। दौड़ते हुए आया हूँ मैं ट्रेन में, अभी चल रही थी ट्रेन स्पीड में। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊँ, कुछ अलग, और मुझे कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे, और ट्रेन खाली जा रही इलाहाबाद यहाँ से, तो क्या दिखाऊँ तुम लोगों को। ट्रेन में कुछ लोग पैसे मांग रहे मुझसे, मैं कहा मैं स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं दे पाऊँगा। वो आगे जा रहे हैं लोग। ये मेरे लाइफ का पहला ट्रैवल ब्लॉग है जो मैं ट्रेन में कर रहा हूँ, और लगभग 200 किलोमीटर तो मुझे जाना है ट्रेन से, और काफ़ी एक्साइटेड में ब्लॉग को छोड़ के मत जाना, बने रहना वीडियो में। अभी मैं पहुँचा नहीं हूँ, पूरी ट्रेन खाली है, ट्रेन में अकेले घूम रहा हूँ। अभी सहायगंज पहुँचे हैं, सहायगंज में ट्रेन रुकी है, 10-15 मिनट रुकेगी, फिर लगता है मुझे ज़्यादा लेट पड़ जाएगा। तो ये है सहायगंज स्टेशन, और जिसने नहीं देखा देख लो ध्यान से। अभी ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है और यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ कब से चले ट्रेन, मुझे लगता है आसपास आधे घंटे का टाइम है उसका लगाऊ। हम लोग सायगंज, जब सायगंज से जाएंगे इलाहाबाद। ए पानी पानी, ए पानी पानी। तो भैया ट्रेन चलते चलते मेहरावा स्टेशन पे आ गई है, अभी यहाँ पे 10-5 मिनट रुकेगी। ट्रेन पहुंच चुकी है जौनपुर में, ये जौनपुर जंक्शन है। अब जौनपुर से ट्रेन चल चुकी है, मुझे जाना है शायद 50 किलोमीटर और। सफर कैसा है ये सफर, मैं अभी ट्रेन के टॉयलेट में हूँ और काफ़ी अच्छा टॉयलेट भी बना हुआ है, पता नहीं कौन सी चीज़ है, पिचकारी वाले पे चल रही है। वाह, ये देख रहे हैं आप क्या है, वाह। आप देख सकते हैं वहाँ पर नीलगाय खड़ी है,
यहाँ से दिखाई दे रहा है मुझे। ये कौन सी नदी है भाई? बहुत चौड़ी नदी है। फूलपुर पहुँचे हैं, यहाँ से शायद 20-25 किलोमीटर और है इलाहाबाद। ये पता नहीं कौन सी चीज की फैक्ट्री है, गन्ना मिल है। यहाँ पे नमक की खेती होती है शायद, खड़े हुए हैं। काफी लंबी चौड़ी नदी है। ले पानी 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 बोतल, ठंडा पानी। तो मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ प्रयागराज इलाहाबाद। ट्रेन ने छोड़ा है मुझे यहाँ पे। अभी जाना है मुझे, तो मैं 10 बजे बैठा था और यहाँ पे मैं इस समय बज रहे हैं 4, तो 4-5 घंटा लगा है मुझे। अभी अगर ट्रक से आता तब भी थोड़ा सही पड़ता, लेकिन ट्रक में कुछ ज़्यादा ही मुझे लिफ्ट लेनी जा पड़ती। ट्रेन थी, ट्रेन में डायरेक्ट आ गया मैं। ये अभी मैं पहुँचा हूँ प्रयाग जंक्शन। यहाँ से थोड़ा 6-7 किलोमीटर है प्रयागराज, तो वहाँ मैं नहीं गया, मैं यहीं उतर गया और अभी स्टेशन पे हूँ। अभी मैं जाते जाते रहा था, यहाँ पे मुझे किताबें मिल गई, बहुत ही सारी किताबें फेंकी हुई हैं यहाँ पे। अभी मैं बताता हूँ आपको कितने रेट में बिकती हैं।